8 नवंबर की वो सुहावनी सुबह जब भारतीय विद्या भवन ऋषिकेश कैंप से ई और एल ग्रुप के सभी मेंबर्स बस में सवार होकर एक ऐसी जगह जा रहे थे जिसे ना तो पहले हमने कभी देखा और ना ही पहले कभी सुना था। आंखें प्रकृति का वो चमचमाता रूप देखकर मानो चकाचौंध रह गई थी। सफर के दौरान चहकती आवाज़ों के बीच हम मस्तियाँ करते कराते एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और वो खूबसूरत नज़ारे अपने जहन में संजोते जा रहे थे। यहाँ आने से पहले पूरे रास्ते हम सब यही बातें कर रहे थे कि हम जिन गांव वालों से मिलने जा रहे हैं उनकी मुश्किलें क्या हो सकती हैं और ज़रूरतें क्या, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। ऋषिकेश से 50 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव इथारना है। यहाँ की दुनिया ही अलग है। यहाँ की आबोहवा जितनी ही खुशगवार है, यहाँ के लोगों का जीवन उतना ही मुश्किल। हमने पूरे गांव में घूम घूम कर गाँव वालों को नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया और पूरा गांव उस छोटे से स्कूल के पास उमड़ पड़ा। हमारा ये नाटक देखने ग्राम प्रधान व उनकी पत्नी भी आईं। ये हमारी शुरुआती कामयाबी थी। इथारना गांव, जहां रास्ते तो हैं लेकिन सड़कें नहीं, मरीज तो हैं लेकिन अस्पताल नहीं, एक स्कूल है जहां बच्चे भी हैं लेकिन 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता मीलों का है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने सबसे पहले प्राथमिक उपचार का डेमो देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। बड़ी जगहों पे जैसे घुटने वगैरह की जगहों पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़ा जख्म हो, जहाँ पर जोड़ है यहाँ पर, ताकि पट्टी फिसलेगी नहीं। डेटॉल होती है, कहीं भी खुरन लगने, मिट्टी वगैरह से कहीं भी लग जाए तो इसको, इससे आप अच्छे से रुई से लेके उसे साफ करें, उसके बाद क्रीम से कुछ भी इसे पट्टी पर। प्राथमिक उपचार की जरूरत को बताते हुए उसके प्रयोग का सही व सटीक तरीका समझाया। पहाड़ी इलाकों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमने स्ट्रेचर बनाना सिखाया, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अस्पताल नहीं है। हमारा मुख्य नाटक नारी सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसका थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नाटक के द्वारा हमने गांव वालों को लिंग भेद ना करने और लड़कियों के अस्तित्व को समझाया। बस आपको मनोरंजन करना नहीं है, ना कि आपको बस खुश करके यहाँ से चले जाना। हम चाहते हैं कि इस नाटक के द्वारा आप में बदलाव आए। पढ़े ना है तो अभी से शुरुआत कर ले। तो आज ही आप सब अपने बच्चियों को स्कूल में दाखिला करवाइए, क्योंकि कहीं ना हो जाए। नाटक खत्म हुआ। मेरा नाम नरदेव सिंह पुंडीर, ग्राम नवाकोट, ग्राम पंचायत गढ़ोल, इठाना में भारतीय विद्या भवन दिल्ली के छात्र छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। और जो आज स्टूडेंट्स द्वारा इस बेसिक प्राइमरी विद्यालय इठारना में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य जानकारियां स्वास्थ्य अभियान के बारे में और बताया गया है, और भविष्य में इसी तरह शहरी क्षेत्र के
स्टूडेंट्स या कोई संस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर ऐसा शिक्षा प्रदान करती रहेंगी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती कमला पुंडीर, ग्राम प्रधान गडूल। आज जो दिल्ली की टीम आई है यहाँ इठारना गांव में, तो इन लोगों ने जो नाटक किया है उस नाटक से मतलब काफ़ी लोगों को जानकारी मिली है, बच्चों का मनोरंजन भी हुआ है, और लड़कियों को जो ये इन्होंने जानकारी दी है वो मतलब उससे काफ़ी हद तक उन्हें भी जानकारी मिली है। लड़कियों की शिक्षा पर आधारित इस नाटक के व्यापक दृष्टिकोण को गांव वालों ने इतना पसंद किया कि फिर से इसे देखने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद हम छोटे छोटे ग्रुप में गांव वालों से रूबरू हुए। हमारे बीच लड़कियों की शिक्षा पर बहुत सी बातें हुई। हमने बताया कि आज लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं हैं। हमारे कुछ साथियों को तो वहाँ की गढ़वाली बोली भी आती थी, और ये हमारे लिए कुछ मायनों में फायदेमंद सिद्ध हुआ। हमने वहाँ के बूढ़ों से लेकर बच्चों तक की ज़रूरतों को जानने की कोशिश की, और उनकी मुश्किलों को जहाँ तक हमारे वश में था समाधान भी किया। लाइक टू थैंक्स ऑल द मेंबर ऑफ योर टीम, दोज हु आर केम हियर। सबसे पहले तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे गांव में आए और हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएँ प्राप्त की, खास करके जो लड़कियों के शिक्षा के लिए आपने हमें नुक्कड़ नाटक दिखाया उसको वो बहुत ही अच्छा लगा। उसके जरिए आपने जो हमें जो शिक्षा देनी चाहिए वो भी हम तक सभी गाँववासियों की तरफ से, एक नाटक की तरफ से भी और वैसे भी सबके दिलों में पहुंच चुका है। और आपने जो हमें हर क्षेत्र में बताया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कि और आपके एमिंग के क्षेत्र में कौन लोग क्या करना चाहते हैं, तो जो भी लोग आप आए हो हम लोगों को गाइडेंस दिए वो बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए हम आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वक्त जैसे जैसे निकल रहा था हमारे टीम का जोश बढ़ने लगा। इसी दौरान हमने वहाँ के लोगों के साथ नाच गाना भी किया, जिसे हम कभी ना भूल पाने वाले पलों का हिस्सा बने। हमारे साथी लड़कियों ने मेहंदी कंपटीशन किया, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गांव और शहरों के बीच कोई सीमा नहीं। इस कंपटीशन में जीतने वाली उपहार की हकदार बनी। मेरा नाम आरती पुंडीर है और यहाँ पे दिल्ली के छात्र आए हैं। इन्होंने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा किया है और इन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारी दी है। इन जानकारी के लिए हम इनसे संपर्क करेंगे। इन्होंने लड़कियों के बारे में बहुत जानकारी दी है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और अब वक्त जाने का था, लेकिन एक महिला के चाय का न्योता हम मना नहीं कर पाए। चाय के बाद हमने गांव वालों से विदा लिया और बस की ओर चल दिए। बस के पास कुछ ग्रामीण लोगों ने बताया कि ऊपर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है। हम बस से निकल तो पड़े, लेकिन खराब सड़क की वजह से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा, और हम चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने देखा कि वहां का नज़ारा किसी जन्नत से कम ना था। वहां कुछ सैनिक थे जिनके साथ बैठकर हमने खाना खाया। शाम हो गई थी और हम थक गए थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, मन में एक अजीब सी खुशी, और आँखों में उन गाँव वालों के साधारण चेहरे की तस्वीर। हमारे कुछ साथियों के आंखों से आंसू निकलना लाजमी था, और इनकी ये भावनाएं इनको ये सोचने पर मजबूर कर दीं कि जब तक शहरों के लोग गांव से खुद जाकर नहीं जुड़ेंगे, गांव का विकास संभव नहीं है, और समाज के ऊंचे तबके को वाकई इन बातों पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, आशा है, आशा है, आशा है।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल।